धनबाद में कोयले की धधकती खदान के बीच रंजिश की एक आग वासेपुर में शोला बन चुकी है। अब इस शोले को भड़काने का काम एक नए मर्डर ने किया है, जिसके बाद वासेपुर में हड़कंप मचा हुआ है। सिनेमाई पर्दे का वासेपुर हकीकत की जिंदगी में भी धनबाद के कोयले की खदानों की तरह बदले की आग में जल रहा है, और इस बार वासेपुर के डॉन फहीम खान के जिगर के टुकड़े पर सीधे हमला हुआ। इस हमले का अंजाम बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि फहीम का बेटा हमले में मरा नहीं, बच गया है, और यहीं से शुरू होती है गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 3। दरअसल इस समय वासेपुर में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई जेल में बंद डॉन फहीम खान और बाहर छुट्टा घूम रहा दहशत फैला रहे फहीम के भांजे प्रिंस खान के बीच चल रही है। इस बार प्रिंस खान ने सारी हदें पार करते हुए अपने शूटरों से फहीम के बेटे इकबाल खान और उसके साथी ढोलू पर गोलियां बरसा दी। इकबाल बुरी तरह घायल हो गया और ढोलू मारा गया। इकबाल खान हाल ही में जेल से बाहर आया था और प्रिंस खान को उसके जेल से बाहर आने का इंतजार था। इस वक्त इकबाल खान दुर्गापुर मिशन अस्पताल में जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रहा है। जेल में बंद फहीम खान और प्रिंस खान मिलकर काम करते थे। फहीम खान के जेल जाने के बाद प्रिंस खान गैंग की कमान संभालना चाहता था, लेकिन फहीम खान ने अपने बेटे को ही गैंग ऑपरेट करने का मौका दिया, जिसके बाद इकबाल खान बागी हो गया। वो अपने मामू फहीम खान को ही चैलेंज करने लगा। देखते ही देखते मामा भांजे की दुश्मनी वासेपुर में गैंग वॉर की नई शुरुआत बन गई। प्रिंस खान लगातार वीडियो बना बनाकर फहीम खान और उसके बेटे इकबाल खान को चुनौती देने लगा। दोनों ही एक दूसरे के गुर्गों पर हमला करने लगे। प्रिंस खान ने खुलेआम ये धमकी दी है कि वो फहीम और उसके बेटों को चुन चुन कर मारेगा। प्रिंस ने खुद को वासेपुर में छोटे सरकार का नाम दिया है। वो वीडियो जारी करके हमलों और हत्याओं की जिम्मेदारी लेता है। पिछले 3 साल से इकबाल और प्रिंस के गैंग एक दूसरे के गुर्गों और सहयोग करने वालों पर हमले कर रहे हैं। इकबाल खान ने पहले प्रिंस खान के करीबी एक जमीन कारोबारी लाला खान को दिन दहाड़े मरवा दिया। फिर उसके बाद बदला लेते हुए प्रिंस खान ने फहीम खान के सहयोगी जमीन कारोबारी महताब आलम उर्फ नन्ने को गोलियों से भून दिया। अब देखना यह है कि इकबाल पर हमले के बाद वासेपुर में फहीम खान का इकबाल कितना बरकरार रहता है, क्योंकि प्रिंस ने ये बड़ा हमला कर फहीम को सीधे चोट पहुंचाई है।